नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के आएंगे, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जब क्वार्टरली नंबर्स आए तो आप में से ही बहुत सारे लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि भाई बॉटम आउट हो चुका है, अब यहां से एक बड़ी ट्रेंड दिखेगी। अरे क्यों दिखेगी, लॉजिक बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इस कारण से आप कह रहे हो। मुझे तो पहले ये बताओ कि आप क्या सोचते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नेक्स्ट 3 मंथ फरवरी तक आपको क्या लगता है, 80-590 के लेवल दिखते हैं या 45-50 के लेवल्स दिखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। किसी का कॉपी मत करना, किसी दूसरे के कमेंट को देख करके मत बताना आपके क्या व्यूज है। मैं समझ रहा हूं कि आपको कुछ भी बाजार का नहीं पता है, कुछ व्यूज तो होंगे, वो व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि पता चले, बाद में आप खुद को एवेल्युएट कर पाओ कि आपकी एनालिसिस कितनी सही और कितनी गलत है। मैं इस स्टॉक को कंटिन्यूअस आपको अवेयर करा रहा हूं कि भाई इसका ट्रेंड वीक है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, हर बार नीचे के लो का सपोर्ट बन रहा है, जो हाई बन रहा है वो भी नीचे के हाई का हाई बन रहा है, तो ऐसे में सावधान रहने चाहिए। कोई भी दुनिया में बॉटम फिशिंग नहीं कर पाया है। जो भी ये कहता है कि मैं बॉटम पे खरीदता हूं हाई पे बेचता हूं, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो भगवान है, और भगवान तो है नहीं मतलब झूठ बोल रहा है ऐसा। और इस कोट को कई बार, अभी तो हमारे साथ दुनिया में नहीं रहे राकेश झुंझुनवाल जी ने, कई बार कहा है कि कोई भी दुनिया में अगर जो कह रहा है कि मैं बॉटम पे खरीदा और हाई पे बेचा तो वो झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल है ही नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली नंबर्स काफी वीक रहे, वीकनेस की कारण प्रोविजन रही, वन टाइम प्रोविजन के कारण जो प्रॉफिटेबिलिटी रहा वो 73% गिरा। इसका सिंपली मतलब है कि नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ये स्टॉक अंडर परफॉर्म रहने वाला है। इंटरव्यू में वैद्यनाथन जी ने कहा कि भाई ये प्रोविजन हुआ है, ठीक है, मैं आगे बहुत अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी लाऊंगा, बहुत आगे लेकर के जाऊंगा, लेकिन भाई ये बाजार है, शेयर बाजार हर बात को डिस्काउंट करके चलता है। आप क्या बात कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो आपके बैलेंस शीट पे नहीं दिखता है, और वैद्यनाथन जी की बातें बैलेंस शीट पे नहीं दिख रही है। इतना रिस्क आप मैनेज नहीं कर सकते, आपने ऐसा कैसा लोन दे दिया, एसएमई को दिया, किसको दिया, उससे मतलब नहीं है। आपको 700 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, मतलब आप समझ रहे हैं ये एक बड़ा कंसर्न है। और ऐसे कंसर्न के बाद भी अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो भगवान आपका मालिक है, और आप जैसे लोग ही बाजार को सट्टा बाजार कहते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, मैंने क्या कहा कि 70 के लेवल को ब्रेकआउट करने दो, मैं नहीं रोकूंगा, जितना खरीदना हो दबा के खरीदना, लेकिन करने तो दो। 70 के रेजिस्टेंस से ही स्टॉक टूटा है। आज बैंक निफ्टी 0.8% के डाउन ट्रेंड पे है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% के ऊपर गिर रहा है, और सेक्टर के कंपैरेटिवली सेवियर सेलिंग झेल रहा है। और एज पर माय ओन एक्सपीरियंस, जो हमने बाजार से सीखा है, जो हमने बाजार में देखा है, प्रोबेबिलिटी है कि यहां से भी ये स्टॉक नीचे के तरफ 50 के आसपास, लगभग 46 से लेकर के 52 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, और मुझे पता है कि इस समय 66 का लेवल चल रहा है, तो मिनिमम 66 से मिनिमम 58 और 62 जैसा लेवल ऐसा है जहां से आप चाहें तो एवरेज आउट करना, या 70 को ब्रेकआउट हो लेने दे उसके बाद करना, इस समय बिल्कुल इग्नोर कर दें। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के टेक्निकल ओवरव्यू आए, अगर नहीं आए कुछ भी करिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आगे आपके क्वेरी को जो है रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। बाजार की बेसिक्स टू एडवांस की लर्निंग लेनी हो तो मास्टर क्लास को ज्वाइन करो, लर्निंग नहीं लेनी हो, तुक्का में ही ट्रेड करना है, पैसे ही गवाने हैं, तो फिर ट्रेड करते रहो। बाकी मेरा यही सलाह है कि अगर आप बाजार को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो पहले सीखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद।